नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे जो जॉय कंपनी की तरफ से आती है, जिसका नाम है वॉल्फ। तो आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसकी ड्राइविंग रेंज क्या है और चार्ज करने में ये कितनी टाइम लेती है, सारे चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसका डिज़ाइन देखिएगा तो बिल्कुल ये नए लुक में डिज़ाइन किया गया है। आप हेडलाइट से स्टार्ट कीजिए तो आप फ्रंट में देखिए कि यहाँ भी आपको कुछ लाइट्स मिल जाते हैं एलईडी के, तो कुछ दिखने में कुछ यूनिक डिज़ाइन आपको दिखेगा। एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह के लाइट्स दोनों तरफ आपको हैंडल में ही मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा नीचे की ओर आए तो नीचे बॉडी फिटेड आपको यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं और इस तरफ भी आपको दोनों तरफ एक ही डिज़ाइन के एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें तो एक जॉय ई बाइक का ब्रांडिंग किया गया है जो कि सामने आपको मिल जाता है। लुक वाइज ये काफ़ी डिफरेंट लगता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर से। साथ ही साथ हम नीचे की बात करें तो नीचे में कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाता है। अगर इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो 10 इंच के C8 के टायर आपको इसमें मिल जाते हैं और अलॉय व्हील का कुछ डिज़ाइन इस तरह का आपको दिख रहा होगा। दिखने में काफ़ी आकर्षक इसको बनाया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको इसमें बहुत अच्छे ब्रेक देखने को मिलेंगे। अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ आएँ तो पीछे साइड में आपको कुछ इस तरह का स्पेस मिल जाता है जो लेग के लिए है। अगर इसमें हम बैठ के देखें तो इसका लेग स्पेस कुछ इतना है कि आप आसानी से, अगर आपकी हाइट आए 5 फुट की, अगर आपकी हाइट है तो आप आसानी से इस पर बैठ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी हाइट काफ़ी लंबी है तो शायद उसके लिए थोड़ा सा ये अप हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको बैठने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन 5.5 फुट तक की अगर आपकी हाइट है तो आप आसानी से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर बैठ के चला सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या दिया गया है। तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक ग्लो बॉक्स दिया गया है। ग्लो बॉक्स काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा हुक दिया गया है जिसमें आप 2 से 3 kg तक के वेट को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें बगल में देखें तो यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है जिसकी मदद से आप गाड़ी को स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक और इसमें की फीचर्स आपको मिल जाता है जिसकी सहायता से आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक, जैसे कि इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करके यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से इस गाड़ी को क्लिक करके स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मैंने 2 बार क्लिक किया स्टार्ट हो गया, तो इस तरह से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, यानी बिना की के भी आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस की को अगर हम एक बार लॉक करते हैं तो एंटी थेफ्ट अलार्म भी काम करता है, यानी कि इसको जैसे ही आप करेंगे तो इस तरह का कुछ आवाज़ इसमें आने लगती है। तो एक बार और इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे काफ़ी स्मार्ट की आपको मिल जाता है। अब इसकी हम बात करें इसके हैंडल बार में क्या क्या ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर एक एक्सेलेरेटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक मोड मिल जाता है जिसकी सहायता से आप ड्राइविंग और रिवर्स मोड में चला सकते हैं, यानी इस गाड़ी को आप पीछे की ओर भी चला सकते हैं इस बटन की सहायता से। अगर यहाँ पे राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब के स्विच मिल जाते हैं जिसकी सहायता से लाइट्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी के 3 मोड मिलते हैं जिसकी सहायता से आप गाड़ी को 3 मोड डिफरेंट स्पीड में आप गाड़ी को चला सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक हाई बीम लो बीम मिल जाता है, साथ ही साथ एक छोटा सा इंडिकेटर बटन भी मिल जाता है जिसकी सहायता से आप लेफ़्ट राइट इंडिकेट का बटन भी ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है जिसका जो साउंड है कुछ इस तरह से है, तो काफ़ी क्लियर साउंड है इसका। साउंड में आपको कहीं से कोई कमी महसूस नहीं होती है। अगर हम इसकी स्पीडोमीटर की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि आपके हैलोजन लाइट्स ऑन है कि नहीं, वो यहाँ पे उसका सिंबल दिया गया है। यहाँ चार्जिंग का सिंबल दिया गया है और यहाँ एरो दिया गया है आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर का। इसमें बैटरी परसेंटेज भी वगैरह भी आपको दिखा रहा है और यहाँ पर साथ ही साथ कितने किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चल रही है उसका सिंबल मिल जाता है। और यहाँ पर आपको किस गियर में गाड़ी है, जैसे कि अभी 3 में है, अभी हम 2 पे हैं और अभी इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये 1 पे है, तो मोड भी बताता है कि कितने कौन से मोड में ये गाड़ी अभी खड़ी है। इसको हम चला के भी देखेंगे कि किसकी हाई स्पीड क्या चलती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सीट्स की बात करें तो सीट्स का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक दिया गया है और काफ़ी प्रीमियम टाइप का फील हो रहा है इसकी सीट्स की। अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का सीट्स दिया गया है। 2 लोग इस पर आसानी से बैठ सकते हैं, कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी, दो लोग के लिए इनफ सीट है, तीसरे लोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। साथ ही साथ अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ एक अच्छा सा ग्रैबरल मिल जाता है और साथ ही साथ आपको बैकरेस्ट मिल जाता है, जो पीछे जो बैठेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर हम पीछे का लुक देखें तो यह लुक काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है, आपको एक थोड़ा सा एक यूनिक रोबोटिक टाइप की डिज़ाइन आपको देखने में लगेगी। और यहाँ पे कुछ बैकलाइट मिल जाते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके लाइट्स की तो इस तरह के बैकलाइट्स मिल जाते हैं आपको, और साथ ही साथ इसके इंडिकेटर्स जो हैं यहाँ पे भी लाइट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी है, और इंडिकेटर्स के जो लाइट है वो कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। तो जो डिज़ाइन है वो काफ़ी रोबोटिक लगता है पीछे से देखने में, इसमें आपको कहीं कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ एक नंबर प्लेट मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही इसमें आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो ऑन पेपर जो स्पीड होती है वो 25 की ही होती है। अगर हम मोटर की बात करें तो इसमें 250 वाट का एक मोटर मिल जाता है जो कि BLDC मोटर है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जब आप इसको चलाएंगे तो दो आदमी के साथ ही अच्छा परफॉर्म करती है। साथ ही साथ इसमें 2 साल के आसपास की गारंटी मिल जाती है और टायर जो है आपको 10 इंच के C8 के टायर मिल जाते हैं जो ट्यूबलेस टायर है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर इधर साइड प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पे एक कवर दिया गया है, कवर का डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक लगता है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ खास इसके पीछे कुछ होता नहीं है, बस एक गार्ड की तरह ये काम करता है। और साथ ही साथ इसके बगल में देखें तो आपको नीचे में एक डबल स्टैंड मिल जाता है और एक सिंगल स्टैंड भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पीछे जो बैठेंगे उनके लिए यहाँ पे एक फुटरेस्ट मिल जाता है जो कि बॉडी फिटेड ही है, जो आगे से पीछे की तरफ आती है तो काफ़ी दिखने में अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन दिया गया है। दिखने में यह गाड़ी बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, और कुछ नए डिज़ाइन में कुछ नए लुक में आपको आकर्षक करती है यह इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब आते हैं हम इसके बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 75,000 में आसानी से मिल जाएगी किसी भी जॉय के शोरूम में। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इस पर हम आपको एक यहाँ पे दिखाते हैं कि कौन से गियर में यह कितने टॉप स्पीड में जाती है। तो अभी एक नंबर गियर लगा हुआ है और इसको हम चला के देखते हैं, तो जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो आपको करीब एक नंबर गियर में आपको 26 की स्पीड मिल जाती है, 26 किलोमीटर की स्पीड मिल जाती है। अब हम मोड यहाँ से चेंज करते हैं और दो नंबर में इसको करते हैं और दो नंबर हम इसको चला के देखते हैं, तो दो नंबर में जो इसकी स्पीड है वो करीब 34 के आसपास आपको दो नंबर में स्पीड मिल जाती है। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो तीन नंबर में जो इसकी स्पीड है वो आपको लगभग इसमें 42 के आसपास मिल जाती है, यानी दो लोग के साथ आप 40 प्लस के स्पीड में आसानी से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हैं। अब हम बैटरी को एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ से कुछ आपके सीट खुलेंगे जिसकी सहायता से आप बैटरी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बैटरी बॉक्स मिल जाता है, इसमें एक छोटा मोटा सामान तो रख सकते हैं, हेलमेट शायद इसमें हटाना बहुत मुश्किल है। और इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं, और यहाँ पे बैटरी की अगर प्रोफाइल की बात करें तो 60 वोल्ट 24 AH की बैटरी आपको मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी बैटरी मिल जाती है जिसकी वजह से आपको करीब 70 से 75 का ड्राइविंग रेंज आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे देखो तो एक MCV मिल जाती है जिसकी सहायता से आप आसानी से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं तो इसका यूज करके बैटरी ड्रेन होने से आप बचा सकते हैं। इस बैटरी को आप आसानी से यहाँ से खोल के आप इसको बाहर निकाल के भी घर ले जा के भी चार्ज कर सकते हैं। स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत छोटा सामान ही आप इसमें डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल जाती है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की चार्जिंग टाइम की बात करें तो करीब 4 से 5 घंटे मिनिमम आपको लग जाते हैं 0 से 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करने में। अगर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें है, तो आप जाके वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यही था हमारा वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।